ऊर्जा मंत्री ने खुद कुल्हाड़ी लेकर ट्रांसफार्मर के नीचे साफ सफाई करने लगे। विद्युत मेंटेनेंस पर रहे विशेष ध्यान में इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री तोमर ने गोहद ग्राम के खनेता में ट्रांसफार्मर से स्वयं पेड़ पौधे हटाए। मंत्री ने जिले के विद्युत विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रदेश सरकार से ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और नगरीय विकास आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने जिले के विद्युत विभाग जिले में अन्य कार्यों की समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिले की भिंड की विद्युत विभाग की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेंटेनेंस का कार्य ठीक से किया जाए, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली बिल वसूली पर ध्यान दें और बेहतर उपभोक्ता सेवा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री तोमर ने कहा कि विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी बेहतर ढंग से अपने कार्य का क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि भिंड में अभी बहुत विद्युत विभाग की सेवाओं में मेंटेनेंस में कमी देखने को नजर आई है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने धीरे अपने दौरे के दौरान गोहद की ग्राम पंचायत खनेता में रास्ते पर लगे ट्रांसफार्मर का अवलोकन किया, जहां उन्होंने ट्रांसफार्मर की झाड़ियों और अन्य पेड़ पौधे मिले जिन्हें वो स्वयं कुल्हाड़ी से हटाने लगे। मंत्री तोमर ने संबंधित एई और जे को एक महीने का वेतन काटने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति आगे देखी तो कार्यवाही की जाएगी। भिंड जिले के क्षेत्र के दौरे पर हूँ और जैसा कि ऊर्जा विभाग के विभिन्न कंपनियों का दायित्व है उपभोक्ता की संतुष्टि, आज मैंने ग्रामीण इलाके के गोद के कुछ गांवों का दौरा किया। एंडोरी गया, खनेता गया, कई जगहों पे देखा कि जिन ट्रांसफार्मरों की गांवों पे मेंटेनेंस होना चाहिए वहाँ मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं था। उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को और उनके अगर अगले दौरे में ये शिकायतें मिलेंगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।